दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन है तो मुझे बहुत सारे यूज़र के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे आईफोन में कौन सा एप्पल आईडी डाला गया है, वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसमें आई क्लाउड वगैरह ऑन है कि नहीं, वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको आईफोन के सेटिंग्स में से जाके वो कहाँ पर देखना है कि कौन सा एप्पल आईडी यूज़ किया गया है, उसमें ईमेल कौन सा है। तो ये जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आपके आईफोन में कौन सा एप्पल आईडी कॉन्फ़िगर किया गया है, वो हम कैसे देख सकते हैं और उसे साइन आउट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जाना होता है सेटिंग्स में। अगर आपके आईफोन में लेटेस्ट आईओएस है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा और सबसे ऊपर एप्पल आईडी, आई क्लाउड, आईट्यून्स वगैरह के सेटिंग्स मिल जाएंगे। अगर लेटेस्ट अपडेट्स नहीं है तो शायद ये इंटरफेस नहीं होगा, लेकिन नीचे आपको मिल जाएगा। थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आईट्यून्स एंड ऐप स्टोर दोनों में से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे में लेटेस्ट है इसलिए मैं ये मेथड बताने जा रहा हूं। तो यहां पे आपको टैप करना है। तो जैसे ही आप टैप करेंगे यहाँ पे आपको नाम और जो भी ईमेल यूज़ किया वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आई क्लाउड्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आईट्यून ऐप स्टोर वगैरह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फैमिली शेयरिंग ऑन है कि नहीं वो मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ फ़ोन के अंदर साइन आउट करना है तो कैसे करना है, जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे साइन आउट का ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके साइन आउट कर सकते हैं। साइन आउट के टाइम पे शायद पासवर्ड भी पूछा जाएगा, कभी कभी कुछ डिवाइस के अंदर फाइंड माई आईफोन ऑन होता है, वो सब चीज़ भी आपको कंसिडर करनी है। आई क्लाउड पर टैप करेंगे तो आई क्लाउड अकाउंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारे की सारी, कि आपके आईफोन में से कितनी कितनी एप्लीकेशन डेटा आई क्लाउड के अंदर सिंकिंग कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने सारी की सारी एप्लीकेशन ऑफ कर दी है, ज़रूरत की एप्लीकेशन में ही डेटा ऑन रखा है, आई क्लाउड ड्राइव ऑन रखा है, मैप वगैरह के डेटा ऑन रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।